गाइज सभी लोग तैयार हो चुके हैं, हमारी गाड़ी भी बस तैयार हो रही है। पीछे अनुपम जी की गाड़ी है, तीसरी वाली सनी की है और ये मैम जो है गाड़ी में बैठ रही हैं। बस कुछ ही पलों के अंदर हम लोग अपनी इस नई यात्रा को शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा को पूरा करने में हमें लगभग जो है 14 से 15 दिन लगेंगे, तो आप लोग बने रहें मेरी नज़रों से मेरे साथ और इस यात्रा का भरपूर आनंद लें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हमारा इस चैनल का बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी वजह से घूम नहीं पाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं। कहीं बच्चों की परेशानी है, एज की परेशानी है, बीमारी की परेशानी है। इसका मेन उद्देश्य यही था, इसलिए मैं आपके लिए एक नए सफ़र की ओर ले चल रहा हूँ जिसमें आप मेरी नज़रों से मेरे कैमरे से बने रहिए। सकती है लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अगर पसंद आता है तब भी और नहीं पसंद आता है जब भी। जैसा कि दोस्तों हम लोग बस बिल्कुल तैयार हैं और सुबह के करीबन 10 बजे हैं। थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हो गया है क्योंकि पैकिंग वगैरह करने में, फ्यूचर प्लानिंग करने में थोड़ा डिले हो ही जाता है। टारगेट तो 8 बजे का था लेकिन 10 बज गए, कोई नहीं। रूट छोटा है, अभी मैं आपको इस बात को नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ आपको ले जा रहा हूँ, एक सस्पेंस है। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करें, यात्रा में मेरे साथ बने रहें और इन्जॉय करें। मैं अपने सभी फ्रेंड्स को जिन्होंने इतना स्नेह प्यार और सम्मान दिया मेरे चैनल को कुछ ही दिनों में यहाँ तक लाने के लिए, मैं बार बार अपने सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद करता हूँ। अगर आपका इसी प्रकार से प्रेम और स्नेह मिलता रहा तो मैं आपको ऐसी ऐसी जगह जो घुमाऊँगा जहाँ आपने कभी न सोचा होगा न समझा होगा। बिल्कुल आउटबीट कैंपिंग, ऑफ रोडिंग वगैरह काफ़ी तरह का मैं लोग इवेंट करता रहता हूँ, तो वो मैं आपके संग शेयर करता रहूँगा, बने रहें। गाइज सभी लोग तैयार हो चुके हैं, हमारी गाड़ी भी बस तैयार हो रही है। पीछे अनुपम जी की गाड़ी है, तीसरी वाली सनी की है और ये मैम जो है गाड़ी में बैठ रही हैं। बस कुछ ही पलों के अंदर हम लोग अपनी इस नई यात्रा को शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा को पूरा करने में हमें लगभग जो है 14 से 15 दिन लगेंगे, तो आप लोग बने रहें मेरी नज़रों से मेरे साथ और इस यात्रा का भरपूर आनंद लें। तो गाइज यहाँ कल रात को बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था और लगभग जो है एक ट्रक आम गिर गए। अब जिनको खाने वाले हम लोग ढूंढ रहे हैं कि किसको खिलाएं। अगर आप लोग चाहें तो हमारे साथ आकर आम खा सकते हैं। और देखो सनी भाई तो चुपचाप एक आम गटक गए और हाथ जोड़ रहे हैं गलती पर। गलती से देखिए गाइज कितना सारा आम कल आंधी में बर्बाद हो गया है और ये एक मस्त वाला। तो गाइस इन सुंदर नज़ारों के साथ ही आप देखिए कितना खूबसूरत यात्रा हो रही है। और अभी चूंकि सुबह के चले हुए हैं हम लोग, हमारे एक मित्र हैं जिनका देहरादून में होटल है, उन्होंने हमें कहा है कि सर आप लोग जो है सुबह का जो है ब्रेकफास्ट मेरे यहाँ करके जाएं, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करें। तो हमारे साथ ब्रेकफास्ट के लिए बने रहिए और उस ब्रेकफास्ट का लुत्फ आप भी लीजिए। रोड जो है काफ़ी ख़राब है और आपको बता दें 80% जो लोग हैं वो दिल्ली से चंडीगढ़ होकर शिमला पहुँचते हैं और हम लोग वाया देहरादून गए हैं क्योंकि हमें शिमला के अंदर एंट्री नहीं करनी थी। तो किसी ने बताया कि सर एक शॉर्टकट रास्ता है, रोड तो शॉर्टकट है लेकिन रास्ता जो सिंगल है लोकल है। और देखिए कितनी सारी यहाँ के जो लोकल भीड़ है, ये लोग जा रहे हैं और हम लोग इनकी वजह से रुके हुए हैं। गाइज सुबह से चलते हुए लगभग हमें 10 घंटे हो गए हैं क्योंकि हम लोग बाया देहरादून होकर आए थे और यहाँ हम काफ़ी थकने की वजह से थोड़ा फ्रेश महसूस करने के लिए
हल्का सा चाय नाश्ता करेंगे और यहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, कुछ अलग तरह के पहाड़ हैं यहाँ और ये काले चट्टान हैं और काफ़ी डरावने और लुभावने दोनों ही हैं, मतलब डर भी लग रहा है और खूबसूरत भी लग रहे हैं। तो गाइज गड्ढे ढक्के ऊबड़ खाबड़ रोडों की वजह से पूरी गाड़ी का सामान डिस्टर्ब हो गया, जो सामान पीछे था वो आगे आ गया और जो आगे था वो पीछे चला गया। तो हम लोगों ने जो टी ब्रेक लिया है उसमें अपनी सामान की व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है कांच वगैरह का टूटने का डर होता है, तो उसको अपने यथास्थान पर रख कर। गाइज इस टूर में हमारे संग दो बहुत ही छोटे नन्हे चंचल ब्यूटीफुल दो बच्चे भी आए हैं। इनकी हिम्मत देखिए, सबसे कम उम्र के। क्यों बेटा मजा आ रहा है? आ रहा है, देखो गर्दन हिला रहे हैं। गाइस देखिए मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, यहाँ शेर की जो मांद होती है ना पहाड़ों के अंदर वो है, और मैं आपको जूम करता हूँ। देखिए आप, अगर आपको दिख जाएगी तो पहले आप यहाँ का 360 व्यू देख लीजिए और उसके बाद मैं आपको देखिए। गाइस शेर की मांद है और यहाँ हमने लोकल से पूछा है तो कह रहे सर यहाँ जानवर रहते हैं, अभी दिन है तो बाहर नहीं आएंगे, रात को बाहर आएंगे। गाइज बहुत नैरो रोड होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया और काफ़ी छोटा नैरो रोड है और बहुत दिक्कतों से गाड़ियां निकल रही हैं। ठीक है निकल उधर पहाड़ को देखो। हाँ ठीक है ठीक है। गैप है, अच्छा टायर लग रहा है, पीछे करूँ क्या? थोड़ी बैक कर, मुझे लगा वो बड़ी गाड़ी निकल गई तो मेरी भी निकल जाएगी। हाँ हाँ देखो बच्चा बच गया। अब आप देखिए थोड़ा उधर गुंजाइश है, भाभी देखना आप। देखो ठीक है निकलूं या आप निकल पाओगे तो आप निकल जाओ, नहीं उधर जगह है हमें ही निकलना पड़ेगा। नहीं बस निकलो, आपको ही नहीं आराम से। हाँ ठीक है, मस्जिद ही जो जाने। हाँ बता देना। हाँ हाँ कोई नहीं। देखिए गाइज कितने सुंदर सीने सामने, सोने जैसा पहाड़ लग रहा, दो पहाड़ों के बीच में से हम लोगों की गाड़ी निकल रही है और आप गौर से देखेंगे तो आगे एक बिल्कुल गोल्डन पहाड़ दिख रहा है और आपको लग रहा होगा स्नो पीक है, लेकिन ये आंखों का भ्रम है, अभी स्नो पीक नहीं आई है, ये नॉर्मल पहाड़ है, लेकिन यहाँ की जो छटा थी बिल्कुल गोल्डन जैसी लग रही थी। जैसा कि हम लगातार करीबन 10-11 घंटे से चल रहे हैं क्योंकि तो सभी लोग बहुत थक गए हैं, तो हमारे जो को मेम्बर हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो इसलिए थोड़ा सा एक 5 मिनट का हट ले रहे हैं। और देखिए सामने अगर आपको दिख रहा हो तो पहाड़ों पर जो है एक पुराना हाउस बना हुआ है, तो उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। बाकी वैली भी है यहाँ, और यहाँ का जो पहाड़ है उसमें एक ख़ास बात है कि जो चमक है वो बिल्कुल गोल्डन कलर का है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था। और जो लोग अभी मेरे व्यूअर्स मेरे वीडियो पर जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग दिल्ली से बाया देहरादून होते हुए हिमाचल की यात्रा पर हैं और ये यात्रा अगले 15 दिन तक कंटिन्यूस रहेगी। गाइज एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है, वो मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ। हम लोग जब पहाड़ों पर घूमते हैं तो यहाँ 80% जो नेटवर्क है काम नहीं करते, और ख़ासकर आपके कुछ एक कंपनी तो ऐसी हैं जिनके बिल्कुल यहाँ पर मोबाइल सिम बंद हो जाते हैं, तो हम लोग मैनुअल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आज हमारे संग जो सबसे बड़ी गलती हुई कि हम लोग गूगल के भरोसे चल रहे थे और हमारे जो कोई मेंबर्स हैं सब मिला के लगभग हम 6-7 लोग हैं, 3 गाड़ियां हैं, कल जहाँ पहुँच रहे हैं शिमला के ऊपर,
वहाँ 8-10 गाड़ी हो जाएंगी। और ये रूट चूँकि ऑफ बीट रूट है, हमने देहरादून से लिया था। आप लोग जो आते हैं वो देहरादून ना आकर आप चंडीगढ़ से शिमला की ओर आते हैं, तो रोड बिल्कुल नया था सभी के लिए। और गूगल ने काम करना बंद करा। एक डैम हमें क्रॉस करना था और गलती से हम डैम क्रॉस ना करके राइट हैंड साइड पे मुड़ गए। उसका नतीजा ये हुआ कि हमने जिससे भी पूछा कोई भी एड्रेस बताने को तैयार नहीं था, फ़ोन मोबाइल वगैरह कोई काम नहीं कर रहे थे, और हमारे साथ की जो दो गाड़ियाँ थी वो हमसे काफ़ी आगे निकल गई। उस वजह से लगभग हमारे 2 घंटे ख़राब हुए और 45 किलोमीटर हम रॉन्ग साइड चले गए। फिर आराम से धीरे करते करते हम वापस आए उसी रूट पर जिस रूट से हमको आए हुए थे, यानी देहरादून वाले रूट पर। और उसके बाद जब फ़ोन नहीं लग पाया तो हम लोग परेशान होकर सोच रहे थे क्या करें, वापस जाएं क्या करें। तो अचानक हमारे को मेम्बर जो है एक गाड़ी को लेकर वापस आए उसी रूट पर, हम लोग मिले और तब हमने यात्रा को आगे स्टार्ट किया, कंटिन्यूस किया। तो आप लोग ये सावधान रखें, अगर अकेले आ रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अकेले में तो ऐसा होता है कि आप खो भी गए तो अपने हिसाब से आगे पीछे चले जाएंगे। वैसे ग्रुप में आते हैं और गाड़ियां खो जाती हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और जो कि काफ़ी जंगल और जो ऑफ रोडिंग रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा नैरो भी है, टूटा फूटा भी है, पत्थर भी है, हाँ काम भी चल रहा है देखो जगह जगह जो है। तो इसलिए सावधानी की वजह से जो आज हमें तकलीफ हुई वो आप लोगों को ना हो, मैंने आपको ये सूचना देना उचित समझा।